लेकिन मेरा पहला सवाल लोकेश जिंदल जी आपके पास, सबसे पहला तो सवाल है कि कोलकाता हो या बदलापुर, जो हो रहा है वो रूह को हिला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ट्वीट, 9 अगस्त की घटना पर एक ट्वीट करके 14 अगस्त को, जिसमें हाथरस, उन्नाव और कठुआ की बात करके राहुल गांधी डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे कलकत्ता को, वहां उन्हें पूरी इजाजत थी 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले वाले घटनाओं को उठाने में, लेकिन आज रायबरेली पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे। क्या ये ममता बनर्जी का संरक्षण है? क्या ये नया एक स्ट्रैटेजिक टूल है इंडिया अलायंस का कि आपस में किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में अगर कुछ हो तो हम एक दूसरे के यहां अपराध और जिस तरह से सारा इन्वेस्टिगेशन हैंडल या मिस हैंडल हुआ है उसको ढकेंगे, उसको एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में हम आक्रोश पर बहुत बोलेंगे, ऑल आउट जाएंगे? क्या ये नई स्ट्रैटेजी है अब? नाविका जी नमस्कार। नाविका जी, राहुल गांधी जी सांसद है रायबरेली से और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी भी तरह की वारदात होती है, जनता न्याय की गुहार करती है, उस समय जनप्रतिनिधि नेता होने के नाते वे जनता के साथ खड़े रहेंगे, उन सवालों का जवाब मांगेंगे सरकार से, और जिस न्याय की अपेक्षा जनता करती है उस न्याय के हक में राहुल गांधी जी खड़े रहेंगे। राहुल गांधी जी ने बंगाल की भी निंदा की, उन्होंने कहा कि आज पिछले 10 साल से जो होता आया है इस देश में उससे बच्चे, महिलाएं, दलित, इनके जीवन पर इनका मूल आधार खतरे में आ चुका है, यौन उत्पीड़न, आपस में हिंसा, हत्या कर देना, निर्ममता, ये कब तक इस देश में चलेगी? ये समय आ चुका है नाविका जी कि राजनीति से परे होकर हम सब न्याय की गुहार लगाएं और इस बात को तय करें कि क्या मानवता इस देश से पूरी तरह जा चुकी है या हम सब एक साथ इकट्ठे होकर एक न्याय के पक्ष में खड़े होकर एक अच्छी राजनीति का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लोकेश जिंदल जी आपने कही और मैं बिल्कुल 100% आपके साथ सहमत हूं कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इन मुद्दों पर हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाथरस पे राजनीति होगी, उन्नाव पे राजनीति होगी, कठुआ पे राजनीति होगी, बंगाल में नहीं होने देंगे राजनीति, नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल, आपने कहा ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो आवाज उठाने गए थे, मैं इसका भी बहुत सपोर्ट करती हूं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दलित मर्डर हुआ है और इस पर आवाज उठानी चाहिए, ये उनका अधिकार है, मैं पहले कह चुकी हूं, लेकिन वो देश में और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, पूरे देश के जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और बंगाल के मुद्दे पर इतना आक्रोश है तो उस मुद्दे को डिस्ट्रैक्शन कहना, राधिका खेड़ा जी, क्या सही है उस मुद्दे को डिस्ट्रैक्शन कहना और फिर से मीडिया अगर सवाल पूछे तो मीडिया को कहना कि आप दलित के मुद्दे नहीं उठाना चाहते इसलिए बंगाल पर सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल क्या जायज है, ये डिस्ट्रैक्शन क्या जायज है? राधिका खेड़ा जी नमस्कार। नाविका जी देखिए ना, नाविका जी कितना डरे हुए हैं राहुल गांधी जी, जो ये बार बार लगातार कहते थे जनता को डरो मत, आज वो ममता बनर्जी से डरे हुए हैं, आज वो अखिलेश यादव से डरे हुए हैं, आज वो अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं, आज अपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं, आज अपने झारखंड के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं, सबसे डरे हुए हैं, इसलिए सिलेक्टिव ट्रेजेडी टूरिज्म करते हैं। सिलेक्टिव ट्रेजेडी टूरिज्म करने वो रायबरेली पहुंच गए लेकिन अयोध्या के बारे में बात नहीं कही, जहां पे एक छोटी हिंदू लड़की के साथ लगातार समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय का दोस्त और उनका साथी और समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार कर रहा था।
कन्नौज के बारे में नहीं बोलेंगे जहां पे समाज, और ना वहां जाएंगे, ना कर्नाटक जाएंगे जहां पे अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल की लड़की का टीचर ने रेप करने की कोशिश करी, ना झारखंड जाएंगे जहां 3 साल की बच्ची का झारखंड के एक स्कूल की, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, उस बस ड्राइवर ने रेप कर दिया, ना तेलंगाना जाएंगे जहां शमशाबाद में एक माइनर लड़की का रेप कर दिया गया और वो प्रेग्नेंट हो गई, ना वो कहीं पे जाएंगे हिमाचल में गुड़िया केस हो या अनगिनत केस आ रहे, कहीं नहीं जाएंगे, ना वो वेस्ट बंगाल का जब ट्वीट करेंगे तो ममता बनर्जी का नाम लेंगे। कथुआ का नाम उन्होंने जरूर लिया, वही कथुआ जहां पर जिस आदमी ने कथुआ रेपिस्ट के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसी आदमी को टिकट देने का काम राहुल गांधी ने किया था, वहां पर तो पर्चा नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा वो एक डरे हुए आदमी है, दुनिया को डरो मत कहते कहते वो खुद डर गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस एक पैरासाइट है और इन्हीं लोगों के चलते तो उनकी सीटें आई हैं, वरना अपने आप में अगर देखा जाए उनको कहीं कोई सीटें नहीं मिली लोकसभा में, तो इसीलिए ये डर है ना कि आगे जाके क्या होगा, आगे भी चुनाव है, तो ये सत्ता का जो नशा है और सत्ता खोने का जो डर है उसके चलते सिलेक्ट ट्रेजेडी टूरिज्म पे आज वो एक जगह चले गए। और बिल्कुल सही बात है, अब सारा इल्जाम मीडिया पे लगाना है, क्योंकि मीडिया से ही उनकी जाति पूछनी है, मीडिया से ही उनका धर्म पूछना है, और मीडिया को ही बाद में उनको धमकाना है कि आप ये आउटरेज आप चाह रहे। अरे क्यों नहीं, क्या अगर आप एक दलित की आवाज बन रहे हैं तो डॉक्टरों की आवाज नहीं बननी, पूरे देश के डॉक्टर आज सड़कों में है। बिल्कुल सही सवाल है, और अनुराग भदौरिया जी मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगी, बीजेपी ने सवाल उठाया है कि कपिल सिब्बल, क्या ये एक संजोग है? कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, मंत्री थे, कपिल सिब्बल आज आपकी तरफ से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हैं, आप हो, अखिलेश जी हो जो कहते हैं ममता बनर्जी वो तो महिला हैं, वो तो समझती हैं, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्थिति है उसके बारे में जो कहा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा वहां की पुलिस से शायद मामला संभल ही नहीं रहा, क्या वहां पर CISF लगा दी जाए, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन एक चू नहीं हुई, ना अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, ना राहुल गांधी ने कुछ बोला, क्योंकि उनको ये डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, एक बेटी के मामले पे इतनी राजनीति, बेटी बेटी में आप फर्क कर देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है, बेटी के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरिंदगी जो हुई है पश्चिम बंगाल में, दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, CBI चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है नजीर पेश होगी, लेकिन बेटी के मामले में राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति खूब कर रही है और शर्म भी नहीं आ रही है, बेटी के नाम पे राजनीति। अरे भैया आप जरा बदलापुर पे भी तो बोलिए ना, बिल्कुल सही आप पश्चिम बंगाल पे बोल रहे हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घूम घूम के, अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक बोल रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस देश में, किस देश की बात कर रहे थे, बदलापुर उस देश के अंदर में नहीं आता? इतना बेशर्म हो गए हो कि बदलापुर का नाम लेने में डर गए? बिल्कुल सही कह रहे राधिका जी, डर, ये डर जो खा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता जाने का डर। बदलापुर की बेटी क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या राम रहीम को आपने फेरोल दिया है किसकी, उसने जो अन्याय किया था क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या मुजफ्फरपुर में जो 14 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ हिंदुस्तान की बेटी नहीं? उत्तराखंड में जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं? कमाल की बात करते हैं, हतरस की हिंदुस्तान की बेटी नहीं? कन्नौज में जो घटना हुई है वहां बीजेपी की सरकार है, हिंदुस्तान की बेटी नहीं? मैं पूछना चाहता हूं बुलंदशहर में जो घटना हुई बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ, क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं? पश्चिम बंगाल की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उड़ीसा की हो, सब हिंदुस्तान की बेटी हैं। और जब आप हिंदुस्तान की बेटी की बात करते हो तो मैं कहता हूं हर हिंदुस्तान की बेटी की सुरक्षा और अच्छा की बात होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की तो बात करती है लेकिन दूसरे राज्यों की बात नहीं करती है। तो इसके मतलब राजनीति कौन कर रहा है? डरा हुआ कौन है? ये कौन है जो इतना डरा हुआ है? कौन है जो बेटे के बारे में आवाज नहीं उठाना चाहता है? कौन पार्टी है जो बेटे के बेटियों के बारे में यहां पे खड़ी नहीं हो रही है? अरे पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की सुरक्षा के लिए आपको खड़ा होना है, इसके मतलब आप राजनीति मत कीजिए। अयोध्या अयोध्या के बारे में भी कुछ कह देते तो अनुराग भदौरिया जी अयोध्या के बारे में भी थोड़ा संज्ञान ले लेते तो मैं समझती कि बेटी और बेटी में आपने फर्क नहीं कहा। तो सबके बारे में कह रहा हूं, नहीं अयोध्या भूल गए, अयोध्या भूल गए, ध्यान से सुन रही थी। मैं तो क्यों भूल गया,
अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, किसकी नाविका जी? चलिए मैं आपसे बहस करता हूं, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसकी सरकार है? इसके मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी कई समय से बीजेपी कह रही है अपने अपने पार्टी के लीडर को हटा दीजिए, आपने तो नहीं किया, आपकी पार्टी के लीडर को भी बीजेपी आकर हटाएगी। अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी के लीडर को भी क्या बीजेपी हटाएगी? सवाल यह है। लेकिन राधिका खेड़ा सवाल बदलापुर पर भी है, और आज बदलापुर में जो आक्रोश देखने को मिला, लगभग 10 घंटे लोग रेलवे ट्रैक्स पर उतरे रहे, और इस केस में भी 4 साल से कम की वो बच्चियां थी जिनके साथ ये यौन शोषण हुआ, और माँ बाप अगर पुलिस थाने जाएं तो 13, 14, 15 घंटे पुलिस उनका FIR भी नहीं दर्ज करेगी। क्या इस देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा है कि नहीं? 10 सेकंड। बिल्कुल सही, लोगों का आक्रोश बिल्कुल जायज है जब ऐसा कुछ होता है, लेकिन दोनों केस में ना, अब बंगाल और बदलापुर दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं। कोई भी रेप एक्चुअली किसी से ना छोटा होता है ना ज्यादा होता है, रेप बहुत ही जघन्य अपराध है चाहे किसी के साथ भी हो, और हर उस बलात्कारी को बराबर की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बदलापुर में जो हुआ उसके बाद क्या हुआ, हमारे डिप्टी सीएम सीएम ने एसआईटी की जांच की घोषणा करी। हम बंगाल की तरह ये नहीं बोलते रहे कि मुख्यमंत्री बार बार बोल रही है अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो सीबीआई जांच होगी। पेरेंट्स सब कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, पेरेंट्स कह रहे हैं आप विफल हो रही है, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। FIR वहां पे देखिए ना, स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित किया गया, महिला अटेंडेंट को निलंबित किया गया। बंगाल में क्या हुआ, उस स्कूल के उस कॉलेज के प्रिंसिपल को रिवॉर्ड किया गया। ये वही प्रिंसिपल है बंगाल का जो पहले भ्रष्टाचार के लिए पकड़ा जाता है तो उसको मुर्शिदाबाद भेजा जाता है, क्योंकि वो पैकेट या जो भी था जो भ्रष्टाचार करता था शायद ममता दी को पहुंचाता था। उसके बाद जब इतना बड़ा किस्सा होता है वो कोर्ट सामने आके कहता है कि क्यों रात तक क्यों प्रिंसिपल ने शिकायत FIR दर्ज नहीं कराई, ये हुआ। उसके बाद क्राइम सीन को वो प्रिजर्व करता है, उसके बाद वो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने के बावजूद सबने देखा, वो सबके सामने फोटो है कि वो लड़की की क्या हालत थी, किस हालत में उसकी बॉडी मिली, टांगे किस पोजीशन में थी, चोटें कितनी थी शरीर पे, और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहता है कि वो सुइसाइड है। एक क्वैक तक ये बता देगा, एक अनपढ़ आदमी भी ये बता देगा कि वो सुइसाइड नहीं थी, और ये हालत है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सीबीआई की जांच कोर्ट देता है, ना SIT बनाई जाती है ना CBI के जांच दिए जाते हैं। बदलापुर में हमारी सरकार ने SIT बनाई, लेकिन यहाँ पे कोर्ट को आके कहना पड़ा कि CBI जांच कराई जाए। और जब CBI जांच की बात होती है तो CBI के आने से पहले बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, फिर 7,000 लोगों का एक मॉब आता है, सीधा उस सेमिनार हॉल में जाता है, तोड़फोड़ करता है और क्राइम सीन को बर्बाद करता है। सवाल ये है, पर ये बदलापुर से सवाल दूर नहीं ले जा सकते कोई भी हमें। मैं सिर्फ सवाल आशुतोष जी ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश में आज सिलेक्टिव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेप्स हो रहा है? कोई भी सरकार क्या लोगों को भरोसा दिला पा रही है? और जिस तरह से नेताओं का एक रिएक्शन आ रहा है, कोई तो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं कहेगा, कोई कहेगा ये डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहेगा वो तो महिला है, वो तो सब समझती हैं, और कोई कहेगा कि बस बदलापुर देखो, बंगाल अब भूल जाओ, अब कुछ दिन हो गए, बदलापुर देखो। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आज की सोसाइटी में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आज की राजनीति में ये क्या हो रहा है, ये सवाल क्या जायज नहीं है, गंभीर नहीं है? देखिए नविका जी, जब आज आपने मुझे बुलाया तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि आज बदलापुर पे ही हम बहस करेंगे, और बदलापुर में जो कुछ भी बहस होगी उसमें वहां की सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन मैं तो यहां ये देख रहा हूं कि यहां राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। अगर देश की राजनीति का यह हाल है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। क्या जो दो बच्चियां जिनके साथ जो घृणित अपराध हुआ है, क्या उसमें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोसना चाहिए? क्या वहां देवेंद्र फडणवीस को नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए? तो आखिर बिल्कुल जो हालात बंगाल में दिखाई पड़ रहा वही हालत तो वहां पर भी है। हजारों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की आंख खुलती है। लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का मुद्दा यह कि राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को
हम मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हरियाणा का क्या कहिएगा, जिस आदमी को जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया दो महिलाओं के बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, राम रहीम, उसको हर कुछ दिनों के बाद वहां की हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पेरोल पे बाहर कर देती है। तो वहां पे महिलाओं की इज्जत बलात्कार का मसला नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाल इंपॉर्टेंट है, बदलापुर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जरा ये सवाल पूछिए कि भाई वेद कि राम रहीम को क्यों बार बार छोड़ा जा रहा। राम रहीम जो बलात्कारी है, अदालत ने जिसको साबित कर दिया है, उसके गुणगान करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है क्योंकि चुनाव है वहां पे। तो जहां इस तरीके के हालात होंगे वहां पे सवाल तो राहुल गांधी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़ा अपराधी है। वैसे आशुतोष जी नहीं है, नहीं नहीं आशुतोष जी, आपने मुझे भी प्रवचन दिया तो थोड़ा मैं भी जवाब दे दूं। आपने कहा आपने सोचा कि ये बदलापुर पर डिबेट होगी, तो बदलापुर पर तो हो रही है, पर ये कहां लिखा हुआ है कि अगर मैं बदलापुर की बात करूं तो बंगाल की बात नहीं करना मेरे लिए जरूरी है। और आज पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेती है तो मैं उसकी बात ना करूं, ये कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है? और अगर राहुल गांधी से जो पूछा गया था सवाल, वो सवाल किसी बीजेपी के नेता से पूछा जाता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर किसी बीजेपी के नेता ने ये कहा होता कि डिस्ट्रैक्शन है ये, मैं इस पर अभी नहीं बोलूंगा, तो क्या आशुतोष जी यही सवाल पूछ रहे होते, FIR नहीं लगवा रहे होते? ये सिलेक्टिव पॉलिटिसाइजेशन और सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना, ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना क्या हम सबके सामने नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं नविका जी, देखिए मैं तो शर्मसार हूं निजी तौर पर, मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूं और किसी दूसरे पर टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं मुझे, लेकिन इस तरह की बहस में सचमुच शर्मसार होना पड़ता है। बदलापुर में जो हुआ उसके लिए बिना किसी संकोच के शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की जो सरकार है वो जवाबदेह है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहां देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो कि अच्छा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वो महिला जो इंस्पेक्टर थी उसको वहां ट्रांसफर किया गया, कहा जा रहा है सस्पेंशन कीजिए, उसकी मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, मैं ये भी मानता हूं कि बिल्कुल करना ही चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को पहले ही चले जाना चाहिए था। वहां पर जो आरोपी है, जो उस घृणित कर्म का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, उसके पक्ष में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई भीड़ नहीं हुई, किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की, किसी ने ममता बनर्जी और उनके गुंडों की तरह दूसरों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं किया। मुंबई या ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने प्रयास नहीं किया कि अगर किसी ने गलत लिख दिया हो सोशल मीडिया पर, फिर भी हम इतनी बेहयाई से बचाव करेंगे, तो सचमुच ये शर्मसार करने वाला है। और इसके आगे जरा आप सोचिए, घटना आज की है, राहुल गांधी ने आज बयान दिया है, आपने भाजपा नेता की बात की, मैं तो कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति के तौर पर सोचिए, ये राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर आप इनके बयानों को न सुने तो कहा जाएगा आज भी आप राहुल की बात नहीं सुन रहे हैं, 52 से 99 हो गए, अगर आप उनकी बात सुनकर डिबेट करें तो कहा जाएगा देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हुए हैं क्या। और वहां आप अगर सोचिए इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, और मैंने आपकी बहस में बिना कोई शब्द बचाए चबाए छिपाए योगी आदित्यनाथ को जवाबदेह ठहराया था अयोध्या और कन्नौज के लिए, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने ही अयोध्या और कन्नौज में कार्रवाई की तो फिर दूसरे लोग चुप क्यों हो गए? और बड़ा अच्छा है, राहुल गांधी तो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है रायबरेली के, सांसद है वहां के, एक सांसद ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको जाति मसला बना दिया, इतनी शर्मनाक स्तरहीन राजनीति। वो एक समूह के लड़के थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई, पूछिए योगी आदित्यनाथ से कि आपके यहां क्यों गोली चलाने की हिम्मत हुई, लेकिन सब लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बचे रह गए, एक का नाम कोई ठाकुर नाम निकल जाए, अरे शर्म कीजिए, ये हम लोग यहां तक आकर गिर कर पहुंच गए। और अयोध्या के प्रतिनिधि कौन थे, नाम है किसी को याद या सब भूल गए? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट अनटिल अनलेस, अवधेश प्रसाद जी अंग्रेजी बोलने लगे थे। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कन्नौज, नवाब सिंह यादव पर क्या हुआ, उसको सम्मानित क्यों किया गया था? अरे भाई मंच पर आपका प्रचार कर रहा था अखिलेश, राहुल के पीछे दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ,
और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस राज्य में घटना होती है वहां की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री सीधे जवाब दे ठहराया जाना चाहिए। लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसको देश के किसी हिस्से से आप जोड़ रहे हैं तो आप बेईमानी से बचाव कर रहे हैं। ममता बनर्जी घृणित कर्म कर रही हैं, घिनौना काम कर रही, बंगाल को बर्बाद कर रही। बहुत बहुत से हाथ उठ रहे हैं, मैं सबके पास आऊंगी, लेकिन बादल देवनाथ मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, बदलापुर में कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा चार चार साल की बच्चियों के साथ अगर ये हो तो हमें सर झुकाकर शायद आज मतलब क्या करना चाहिए अपने अपने साथ। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि अगर चार चार साल की बच्चियों के साथ इस तरह से हो जाए, और 13-13 घंटे अगर FIR दर्ज ना हो तो हमें लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इस देश में जो हम टैक्स देते हैं वो देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये बदलापुर में हुआ है। मैं इससे ना छिप रही हूं ना भाग रही हूं, और मैंने ये सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इस तरह का कांड होता है, उन्हें आज याद आया कि एक SIT का गठन होना चाहिए जिसमें संदीप घोष पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं संदीप घोष पे फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के, लेकिन आज जांच बिठाई है उसके ऊपर, नंबर एक। नंबर दो, जो तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, सुइसाइड तो कैसे सुइसाइड, प्रोटेस्ट पे कैसे लोग आकर अटैक कर देते हैं, कैसे क्राइम सीन को किस तरह से टैंपर किया जाता है, क्या ये सवाल नहीं पूछने चाहिए? और आज ASI जो RG कार हॉस्पिटल में था उसके कनेक्शन, उसके कॉल रिकॉर्ड निकल रहे हैं, अक्यूज जो मर्डर के लिए अक्यूज है, गिरफ्तार है, उसके साथ मैं पूछना चाहती हूं, पुलिस क्या कर रही थी ममता बनर्जी के पहले 3 दिन, क्या हो रहा था वहां पर? मैडम सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में मैं बोल रहा हूं, और मैं कोई बात नहीं मैडम, मैं गुड इवनिंग मैडम, मैं उससे पहले संदीप घोष के बारे में मैं एक लाइन बोलूं। आज पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज किया है, और दूसरा बात है जो 7000 जो उपद्रवियों ने वहां पर तोड़फोड़ किया है, ये 7000 कोई TMC के लोग नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर चैनल में मैं कह रहा हूँ, ये 7000 लोग कुछ मोरिच के लोग जिन लोगों को इलाज नहीं मिला था, कुछ लेफ्ट का लोग था, इसलिए नक्सलपंथियों का लोग था और भाजपा के कुछ लोग था जो, और उसके साथ साथ जो लोग अत्याचार किया उनके भी कुछ लोग था, जो 20-30 लोग था, उन लोगों को सभी लोगों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया, स्टेट गवर्नमेंट गिरफ्तार किया। और मैडम ममता दीदी ने तो पहले कह दिया मैं 3 दिन देखूं तो उसके बाद CBI जांच पे दे दूंगा, उससे पहले 4-5 घंटे उसको भी अरेस्ट कर लिया, पर उससे पहले तो सारा एविडेंस मिटा दिया, 3 दिन किसका इंतजार कर रही थी? मैं मानता हूँ कुछ लोग है जो वहां पर जाके तोड़फोड़ किया है, ये बिल्कुल गलत किया, ममता बनर्जी से भी बंगाली संस्कृति का भी बदनाम किया है, और इसके लिए हम लोग भी क्या बोल रहा, मुझे भी शर्म रहते है, ये तो गलत हुआ बंगाल में। लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ, मैं अनुराग भद्रा जी जैसे कहा बदलापुर का, मैं बुक्स नहीं बोलूंगा, आपने डिबेट पे शुरू में आपने बदलाव का बात आपने किया है, मैंने पूरा सुना, लेकिन आपने राज्यपाल का पश्चिम का राज्यपाल का बात नहीं किया, जिसके खिलाफ रेप का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, दिल्ली में जो बंगो भवन है वहां पर उन्होंने रेप किया है, और बंगाल में राजभवन आने के बाद 6 महीने से महिला कर्मचारी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उस राज्यपाल जो आज दिल्ली में गया, दिल्ली में जाने के बाद वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को एक लेटर दिया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए, लेकिन इसको पता नहीं है राष्ट्रपति करने से पहले क्या रूल्स, कौन सा रूल्स पालन करना पड़ता है, सवाल पता सवाल नहीं है। संगीन है, राधिका खेड़ा जवाब दीजिए, अगर गवर्नर पर इस तरह के आरोप हो तो फिर BJP किस दिल से और किस बेसिस पर यह सवाल उठा रही है? सवाल जायज है, जवाब दीजिए। मैं सुन रही थी इनको, और इन्होंने एक बात बोली कि अब पुलिस ने FIR कर दी है संदीप घोष पे,
पुलिस तो ने एफआईआर कर दी, इतनी फटकार लग रही है लगातार कोर्ट से, तो पुलिस अब एफआईआर कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया है, इस पर भी तो बात करी जानी चाहिए ना। वो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है देश की। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आप चिल्लाइए मत बीच में। नाविका जी, इतना इतनी संवेदनशील डिबेट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई एक दूसरे के बीच में नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी को किसी के बीच में नहीं चिल्लाना चाहिए। मैं वापस आती हूँ बात पे। संदीप घोष, उसके ऊपर अब एफआईआर हो रही है, लेकिन उसी संदीप घोष को जब वो गवर्नर का सवाल उठाया गया है, इस पर जवाब दीजिए पहले राधिका खेड़ा जी। देखिए, अब ये अपनी जिम्मेदारियों से और अपनी चीजों से बचने के लिए किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे, ये तो सब जानते हैं। ममता बनर्जी हर जने को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस जघन्य अपराध के बलात्कारी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब सब पे इल्जाम लगाएगी। धीरे धीरे करके हर इंसान के ऊपर इल्जाम आएगा। सिर्फ दो ही जने पाक साफ है, एक ममता बनर्जी और वो लोग जिनको ममता बनर्जी छुपा रही है, और साथ में ये संदीप भी, क्योंकि ये वही संदीप है जिसपे आज पुलिस ने एफआईआर करी है। लेकिन ममता बनर्जी ने उसको रिवॉर्ड दिया था, उसको एक बेहतर कॉलेज में भेज के लगातार उसको बचाया जाता है। जब वो बार बार ऐसे काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब वो क्राइम सीन को बर्बाद करता है, जब वो रेपिस्ट को बचाता है, उसको बेहतर कॉलेज में भेज दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये हर चीज से टालना क्यों चाहते हैं चीजों को। मुद्दे पे रही है ना कि आप लोग किस तरीके से वहां से विफल रहे। एक लौती महिला मुख्यमंत्री, एक पूरे देश में ममता बनर्जी, उस प्रदेश की गृह मंत्री भी, उस प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी, और आज अपने खिलाफ वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड सवाल है, डिस्ट्रैक्शन अगर कोई है तो डिस्ट्रैक्शन इसे कहना चाहिए। लोकेश जिंदल जी, डिस्ट्रैक्शन तो ममता बनर्जी कर रही है जो अपनी सरकार के खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है, और यही सवाल जनता पूछ रही है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, सियासत अलग रखकर सभी दलों की महिला नेता एकजुट होकर बेटियों को न्याय हेतु क्या दबाव नहीं बना सकती, ये सवाल है। प्रियंका जी कहाँ है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक ट्वीट बस। बहुत ही अच्छा सवाल है नाविका जी, और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और मैं आपके आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एक निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय लेना पड़ेगा कि क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की हिंसक जो पब्लिसिटी है, उसके द्वारा लोगों की मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा समाज इतना निर्दय हो चुका है कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। माफ कीजिएगा, आप ओटीटी को सिर्फ ब्लेम मत करें, आपके जो अपनी तरफ के पत्रकार हैं वो तो नाम ले लेकर, जबकि ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हैं, वो सो कॉल्ड ऐसे पत्रकार जो हैं वो नाम लेकर विक्टिम का नाम उजागर कर रहे हैं। और आशुतोष जी कोई सवाल नहीं, कोई पत्रकार आवाज नहीं उठा रहा कि ये कहां। ये तो हमें सिखाया जाता है जब हम जर्नलिज्म ज्वाइन करते हैं कि कोई भी यौन शोषण का मामला हो तो ना विक्टिम की फैमिली, ना वो जगह, ना वो लोकैलिटी, कुछ भी नहीं दिखाना है। लोग नाम लिख रहे हैं, और ये मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, लेकिन समन किसे मिल रहे हैं? समन उनको मिल रहे हैं जो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। और मुझे ये डिबेट नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ बदलापुर डिबेट करना चाहिए। मैं फिर आपका ध्यान बदलापुर की तरफ ले जाऊंगा। 5 दिन के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, तब वहां की सरकार की कुंभकर्णी नींद से जागी है 5 दिन के बाद। इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वहां जबरदस्त तरीके से टीयर गैसिंग की गई है, लोगों को पीटा गया है जो इंसाफ की गुहार कर रहे थे। फडणवीस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एकनाथ शिंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं। 5 दिन तक महाराष्ट्र की पुलिस सो रही थी, नींद आ रही थी उसको, जब लोग सड़कों पर उतरे तब उनको, उनके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। और एक चीज अब मैं और देखता हूं, एक खास तबके के लोग हैं जो जब किसी दलित का हत्या होती है, दलित के साथ अत्याचार होता है, तो उस पर बात नहीं करना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे तबके की तरफ हो तो लोगों को फौरन नजर आता है। ये जो राजनीति, क्या रायबरेली के अंदर जिस दलित की मौत हुई है, हत्या हुई है, क्या उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए?
क्या इस पर चर्चा, क्या इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि भाई क्यों राम रहीम को पेरोल मिल रही है बार बार, वो कौन सी सरकार है? क्या आरोपियों में आपको ओबीसी नहीं नजर आए? सवाल पूछ रहा हूं, आरोपियों में आपको ओबीसी नजर नहीं आए? बिल्कुल, आपको आपको सिर्फ दलित नजर आ रहे हैं आरोपी। आप उस दलित व्यक्ति के लिए आवाज उठाएं, मैं आपके साथ हूं। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इसको जाति का रंग देना, क्या ये सही है आशुतोष जी? और जवाब आपके पास नहीं है जो सोशल मीडिया पर रोज ज्ञान बांटते फिरते हैं सारी दुनिया को कि पत्रकारिता क्या होती है? वो जब विक्टिम का नाम लेते हैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी को वो ट्वीट नहीं नजर आते? या ये जो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं, शायद इन पर भी वही इल्जाम लगता है सिलेक्टिविटी का। हर्षवर्धन जी, सवाल आपसे, माफ कीजिए, शायद उनके उनको सवाल सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क में इशू है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी सवाल नहीं पूछना चाहिए? यौन शोषण के विक्टिम का नाम अगर उजागर किया जाए तो क्या ये सही है? देखिए, सवाल पूछना चाहिए। हर्षवर्धन जी आजकल पत्रकारिता भूल गए, मुझे लगता है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उनके अब बीजेपी के ही लय में बात करते हैं। वो कहते हैं जाति धर्म की राजनीति, कौन करता है जाति धर्म की राजनीति? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होके, जहां 20 लड़के एक भाई बहन को छेड़ रहे थे, उनको दो ही नाम याद आए, पवन यादव और मोहम्मद, बाद बाकी वहां पर जो नाम थे वो कहां चले गए? जब उनसे पूछा गया तो कह रहे तब तक दो ही नाम आए थे। इसके मतलब पुलिस बहुत ही नकारा है उत्तर प्रदेश की, भाई दो ही नाम खोज पाती है 4-5 घंटे में 20 नाम में से। तो आपको आज जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। और जहां तक कि जिसे बार बार ये बात कही जा रही है कि राम रहीम को छोड़ने वाला कौन है, तो उस पर सन्नाटा छा जाता है। कौन पे रो दे रहा है, उस पर सन्नाटा छा जा रहा है। जिस तरह की बात कही, लाठियां बरसाई जा रही, लाठियों से दौड़ाया जा रहा है बदलापुर में, पब्लिक रास्ते पे है, सही कर रहे हैं आशुतोष जी, 5 दिन तक वो कोई सुनवाई नहीं, 13 घंटे हो गए, उसके बाद FIR हुई, लेकिन उस पर कोई बोलने को कहां तैयार? वहां तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, कम से कम 22 राज्यों में तो होनी चाहिए, 22 में नहीं तो 12 राज्यों में ही जाके करना चाहिए। सुधांशु जैसे लोग जो चिल्लाते घूमते थे ये कैसा देश है, सुधांशु जी सुन रहे हो आप, ये कैसा देश है बदलापुर वाला, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तब तो लगेगा कि नहीं आप हिंदुस्तान की महिलाओं बेटियों का सम्मान करते हो। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही दरिंदगी है, वो दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर नजीर पेश आपने यहाँ पहलवान महिलाओं के समय कर दिया, वहां सिस्टम का ब्रेकडाउन नहीं था, सिर्फ दरिंदे को पकड़कर अंदर कर दीजिए, मामला खत्म, बाकी जगह सवालों के जवाब दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये अनुराग भदौरिया जी का सवाल है, जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो आशुतोष जी अनुराग भदौरिया जी का गुस्सा है वो वाला तो जायज है, लेकिन कम से कम इस मसले पर ऐसा वाला काम क्यों करना जिसमें लोगों को दिख रहा होगा कि आप कर क्या रहे? मतलब आप टीवी पे जब गुस्सा रहे होंगे ना कि बदलापुर पर कोई नहीं बोल रहा, कौन नहीं बोल रहा, और उस मतलब आप बोलते हुए जो कहते हैं ना, तो टीवी पर लोग देख के भी सोच रहे होंगे कि किस तरह की बात हो रही है। क्या दलित की हत्या का मामला नहीं उठाया जाना चाहिए? कौन नहीं उठा रहा है? लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एक लाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाती बेटी के ऊपर में? नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, असली बात समझिए। अनुराग भदौरिया जी आप बोल चुके हैं, आप सुनने का भी हौसला रखिए, वही विमर्श में होना चाहिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, सुनने का हौसला रखिए। नहीं करेंगे, इतनी मोटी चमड़ी मेरी नहीं नविका जी, मैं शर्मसार हूं जिस तरह की बहस आज के समय में पत्रकार नेता कर रहे हैं। ये देश को, समाज को बहुत नीचे ले जा रहा है, गर्त में ले जा रहा है, लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि कौन कितनी बेशर्मी से किसका बचाव कर रहा है। मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मैं खुद शर्मसार हूं। बिल्कुल, कोई भी किसी की व्यक्ति का टिप्पणी ना करिए। बंगाल की बेटी भी हमारी बेटी है, बंगाल की बेटी भी हमारी बेटी है, बदलापुर की बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, अयोध्या, कन्नौज, हर बेटी हमारी है, लेकिन बेटी बेटी में फर्क क्यों हो रहा है? आशुतोष जी इसका भी तो जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है? नहीं, मैं नविका जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब भी किसी दलित पिछड़े की हत्या होती है तो खास तबके के लोगों की जुबानें क्यों बंद? मैं बार बार उस सवाल कहूंगा, और यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, यह सवाल महत्वपूर्ण है कि दलित के मसले पर आप चर्चा मत करिए,
और जब दलित की बात करिए तो जातिवाद उसमें आ जाएगा, उसमें न जाने क्या क्या। ये किस तबके के लोग हैं जो दलित की चर्चा नहीं करना चाहते? ये कौन लोग हैं? ये ब्रजभूषण शरद सिंह को बचाने वाले कौन? जरा विनेश फोकट से जाके पूछिए ना, कौन थे, कौन किस पार्टी के लोग थे? ब्रजभूषण पर कौन चर्चा नहीं करना चाहता? आप खुद ही इस देश में शंभू बनना चाहते हैं कि भाई मैं ही करता हूं, बाकी सारे गलत हैं इस देश में? ऐसा नहीं है आशुतोष जी, इस देश में और आज की डिबेट में बदलापुर का मुद्दा और पूरे उत्तर प्रदेश में दलित का मुद्दा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सुनाया है और बंगाल के साथ उस मुद्दे को उठाया है। मैं उठाऊंगी अपने तरीके से, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जबान तब क्यों सिल जाती है जब आप ही के कुछ साथी सो कॉल्ड पत्रकार, जो राइट विंग नहीं सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट लिबरल है, वो विक्टिम का नाम लेकर उजागर करते हैं, तो आपकी कलम क्यों रुक जाती है? आशुतोष जी, ये सवाल मैं आपसे एक बार नहीं बार बार पूछूंगी, क्योंकि इस पर आप जवाब तीसरी बार मैंने पूछा है, लेकिन तीन बार पूछने के बाद आपने जब जवाब नहीं दिया, तो अब आप अपना दामन साफ करने के लिए आगे आना चाहते हैं? और आज देश में और आज सवाल पब्लिक का शो के सारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह बार बार मैंने ये सवाल आपसे पूछा, आपने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे मुंबई से पूछ रहे हैं, पीड़ितों और आरोपियों का धर्म देखकर ही सवाल उठाने वाले राहुल गांधी राजनीति को किस ओर ले जा रहे हैं? छाया सोनी का शहदोल मध्य प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी कोलकाता रेप के सवाल पर डिस्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन रायबरेली पर तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ऐसा कैसे होता है? सुधीर का दिल्ली से सवाल है, मेरा सवाल कांग्रेस से है, क्या राहुल गांधी कोलकाता रेप की घटना को संसद में मुद्दा बनाएंगे? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी जी रायबरेली यूपी है पर अयोध्या कन्नौज भी तो यूपी में ही है, उस पर कुछ क्यों नहीं बोले? युवराज पाटिल सालगरे व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, भदौरिया जी तमाम लिस्ट बता दी, अयोध्या के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? मैंने नहीं, दर्शक भी नोटिस कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, एक एक आपकी लफ्ज और जो मिस करते हैं उसको भी दर्शक देखना नोटिस करना नहीं भूलते। सवाल ये है कि ये मुद्दा क्या संसद में जाएगा, या बंगाल है तो छोड़ दो, बदलापुर है तो संसद में उठा दो, बंगाल है तो कहो डिस्ट्रैक्शन है, बदलापुर हो तो कहो। नेताओं, आज जनता का आक्रोश देखो और एक मां से पूछो कि क्या बेटी और बेटी में वो फर्क कर सकती है? क्या इस देश को अपनी एक बेटी जो ईस्ट में है और एक बेटी जो पश्चिम में है, क्या हम उसमें फर्क कर सकते हैं? दोनों हमारी बेटियां हैं, हमारे दो आंखें हैं, एक आंख और दूसरी आंख में फर्क नहीं कर सकते, जाएगी तो अंधे दोनों तरफ से हम हो जाएं। फर्क मत कीजिए, हमारे ही बच्चे हैं। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का अंत हो, यही है आज सवाल पब्लिक।